अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड 6, सब्जेक्ट SS, चैप्टर नंबर 8, द ग्लोरी ऑफ भारत वर्ष। वी हैव लर्न अबाउट हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया फ्रॉम स्टोन एज टू 8th सेंचुरी। हमने हिस्ट्री में, इतिहास में भारत के बारे में पढ़ा, पुराने जो भूतपूर्व भारत में क्या था क्या नहीं, ठीक है। इतिहास के चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं और स्टोन एज तक यानी कि 8वीं सदी तक हमने पढ़ा है। स्टोन एज टू 8th सेंचुरी यानी के पत्थर युग से लेकर 8वीं सदी तक का हमने इतिहास में चैप्टर्स में देख लिया। वी हैव गैदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर्स एंड हेरिटेज ऑफ वेरियस एजेस। इंडिया इज अ न्यूज नेशन, ह्यूज नेशन लाइक सब कॉन्टिनेंट। इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ा नेशन है, बहुत बड़ा देश है। और हमारे पास जो है, वी हैव गैदर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर्स एंड हेरिटेज ऑफ वेरियस एजेस। अलग अलग टाइम पर अलग अलग राजा जो आए थे, उन्होंने क्या क्या बनाया था, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारे पास इतिहास में मौजूद है और हमने पढ़ा भी है। सिंस एंशियंट टाइम्स पीपल ऑफ वेरियस ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स हैव कम टू इंडिया एज दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आवर प्रॉस्पेरिटी। और पुराने जमाने से ही इंडिया में लोग आते रहे हैं बाहर की कंट्री से, क्योंकि वो लोग जो है भारत की समृद्धि, भारत की जो है अच्छी अच्छी जो बातें हैं उससे बहुत अट्रैक्ट होते रहे हैं। ड्यू टू दिस द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर क्रिएट्स अ कन्फ्लुएंस ऑन डाइवर्सिटी। तो द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर यानी कि इंडिया के अंदर इतनी सारी विविधता है, इतनी सारी हर चीज़ में वैरायटी है, ठीक है, वो कॉन्फ्लुएंस पैदा करती है विविधता में। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि उन्होंने कहा है कि अलग अलग होकर भी सब एक है। वी विल गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड सोशल लाइफ ऑफ आर कंट्री सो दैट वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्लोरियस हेरिटेज ऑफ द पीपल ऑफ एंशियंट टाइम। तो अभी हम आर्ट और आर्किटेक्चर और उनकी जो सोशल लाइफ ऑफ आर कंट्री यानी कि हमारी सामाजिक जो जिंदगी थी इंडिया की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम देखेंगे, ठीक है, जिससे कि हमें ग्लोरियस हेरिटेज ऑफ द पीपल ऑफ एंशियंट टाइम हमको प्राप्त होगा, यानी कि उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। नाउ एंशियंट इंडिया, उसका एग्रीकल्चर कैसा था, खेती काम कैसा था। वी गेट मैक्सिमम फूड वी कंज्यूम एंड थिंग्स वी यूज इन आर डेली लाइफ फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट्स। हम दिन में जितना कुछ यूज करते हैं, जितना कुछ खाते हैं, वो सारा ज्यादातर जो होता है वो फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि खेती करके किसान जो हमको देते हैं उगा कर, फिर जो बाजार में आता है फिर वो हम लाकर खाते हैं। फार्मिंग बिगन इन एंशियंट इंडिया। इन दोज डेज ऑल्सो वेरियस टूल्स एंड इरीगेशन फैसिलिटीज वर डेवलप फॉर फार्मिंग। पुराने जमाने में भी कुछ फैसिलिटीज होती थी फार्मिंग के लिए, खेती के लिए। इन एंशियंट टाइम्स वीट, बार्ली, पैडी, ज्वार, मिलेट, सीसम, पीस एट्सेट्रा वर कल्टिवेटेड। और पुराने जमाने में गेहूं, बाजरा, ज्वार, ऐसे सारे जो है चीज़ें जो है उगाई जाती थी। टूल्स, अब उसके अंदर क्या टूल्स इस्तेमाल होते थे। इन हड़प्पन कल्चर प्लव हैज नॉट बीन फाउंड अमंग टूल्स यूज इन एग्रीकल्चर, बट प्लव शेप टॉय हैज बीन फाउंड, सो इट कैन बी सेड दैट दे वर यूजिंग प्लव फॉर फार्मिंग। तो प्लव जो होता है वो एकदम बड़ा वाला जो टूल थे, जो अभी के हमको आयरन यानी कि लोखंड से बना हुआ दिखता है, लेकिन तब नहीं था। तब छोटा सा जो है एक खिलौने के रूप में हमें मिला है पुराने ऐतिहासिक चीजों में से, जिससे हम कह सकते हैं कि फार्मिंग के लिए उन्होंने प्लाव यूज किया होगा। क्या करते थे, विदाउट रिच विलेजेस इट वॉज डिफिकल्ट फॉर किंग्स एंड देयर किंगडम्स टू सर्वाइव। रिच विलेजेस के बिना, जो जिसे हम कह सकते हैं कि समृद्ध गांव के बिना किंग और किंगडम, राज्य और उसके राज्य को अस्तित्व बहुत मुश्किल हो जाता था रखना। जस्ट एज न्यू टूल्स एंड सीडलिंग्स वर इम्पोर्टेंट स्टेप्स फॉर डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, इरीगेशन ऑल्सो प्रूव टू बी वेरी यूजफुल एट दिस टाइम। कैनल्स, वेल्स, लेक्स एंड आर्टिफिशियल रिजर्वियर्स वर क्रिएटेड फॉर इरीगेशन। जितना के दाना पानी जरूरत होता है, उतना ही इरीगेशन यानी कि खेती की जो पद्धति होती है उसका भी बहुत जरूरत होती है। पानी को किस तरह पहुंचाना, कहां से जो है अच्छा पानी लाना, कहां से गंदा पानी निकालना, ऐसी सारी जो है सिचुएशन रखनी पड़ती है इरिगेशन में। और ये सारी जो रिजर्वियर्स, आर्टिफिशियल रिजर्वियर्स जो है वो उस टाइम में भी हमको देखने को मिलती है। नाउ एंशियंट टाइम रूरल लाइफ। एंशियंट टाइम की गाँव की जिंदगी कैसी थी। लाइफ इन द विलेज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ वॉज एज फॉलोज। द हेड ऑफ द विलेज वॉज कॉल्ड ग्रंभोजक इन द नॉर्थ इंडिया। गांव के जो हेड होते थे उसे ग्रंभोजक कहते थे। ओके, लेट मी आस्क यू फर्स्ट।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, राइटिंग वर्क शुरू करेंगे, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 8 को क्लास में जिसका एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया था, ठीक है, फुल अटेंडेंस के टाइम पे। अब हम आगे रिटर्न वर्क पे जाएंगे। तो यहाँ पे है द ग्लोरी ऑफ भारतवर्ष, हु कॉल्ड द कन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर एज यूनिट इन डाइवर्सिटी। तो जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, बी। आगे हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट्स इज इंक्लूडेड इन परफॉर्मिंग आर्ट। कौन सा आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट में आता है? तो डांस, ड्राइंग आर्ट परफॉर्मिंग आर्ट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट इज इंक्लूडेड इन परफॉर्मिंग आर्ट, जिसमें परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो परफॉर्म करना यानी के बताना, तो सी, दूसरे में सी, क्या करेंगे, सी, ओके। चलिए आगे, वाई वर ब्राह्मिन टेक्स्ट एंड अरण्य क्रिएटेड। तो आएगा टू एक्सप्लेन द वेदास, वेद की लैंग्वेज समझने के लिए ब्राह्मिन टेक्स्ट और अरण्य का क्रिएशन हुआ था। What is included in the oldest religious literature of India? Vedas. Vedas जो है वो इंडिया का सबसे पुराना धार्मिक लिटरेचर है। तो पहले में बी, दूसरे में सी, तीसरे में ए, चौथे में सी। तुम अनम्यूट हो, तुम अपने आप को अनम्यूट करो, ठीक है, मेरी साइड से, मैं यहाँ पे पढ़ाई करवा रही हूँ, ठीक है। चलिए आगे, डोंट राइट एनीथिंग इन चैट सेक्शन। सो नाउ हियर, बाय विच नेम वॉज महाभारत रिटन बाय वेद व्यास इनिशियली नोन। महाभारत जो वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था, वो पहले किस नाम से जाना जाता था? जय संहिता के नाम से। वॉट आर कंसिडर्ड द ग्रेट टेक्स्ट ऑफ इंडियन फिलोसॉफी? उपनिषद। वॉट इज द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म कॉल्ड? त्रिपिटक। त्रिपिटक की मेन जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसका नाम क्या है? त्रिपिटक। लिखते जाइए, फर्स्ट बी, सेकेंड सी, थर्ड ए, फोर सी, फाइव डी, सिक्स बी, सेवन सी, नाउ एट। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक्स इज इंक्लूडेड इन संगम लिटरेचर? तो लिखना है मणि मेखलाई, ओके, हियर डी। नाइन, बाय विच नेम वॉज द रोड ऑन विच द मर्चेंट्स ऑफ चाइना यूज टू ट्रेवल टेकिंग सिल्क क्लोथ टू इंडिया? चाइना के लोग जो है वो इंडिया से कौन से रास्ते से आते थे? बी, सिल्क रूट। क्या नाम है? सिल्क रूट। नाउ आगे हम देखेंगे, विच वर्ल्ड फेमस पेंटिंग इज कंसिडर्ड एज द ज्वेल ऑफ इंडियन कल्चर? इंडियन कल्चर का ज्वेल, इंडियन कल्चर का डायमंड किसे कहा जाता है? पद्म पाणि, ठीक है, ये वाली जो पेंटिंग है उसे। नाउ इलेवन, विच शिवा टेम्पल वॉज कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल मासिव रॉक? एक बड़े से पत्थर में कौन सा शिवा टेम्पल बनाया गया है? इलोरा, ओके, सी। नाउ ट्वेल्व, विच आर्ट वॉज डेवलप बाय कन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक एंड इंडियन स्टाइल? ग्रीक एंड इंडियन स्टाइल के इन्फ्लुएंस से कौन सी आर्ट बनाया गया है? गांधार आर्ट, ओके। सो दिस एमसीक्यू शुड बी रिटर्न इन योर वर्क बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं, वॉट इज द स्तूपा ऑफ पुरुषपुर मीन्स पेशावर कंस्ट्रक्टेड बाय कनिष्क कोल्ड? क्या आएगा? शाहजी की देरी। नाउ वेयर इज द वर्ल्ड फेमस जैन स्टेच्यू ऑफ गोमतेश्वर लोकेटेड? ए, श्रवण बेलगोडा। 15, विच ग्रेट एजुकेशनल पिलग्रिमेज वॉज डेवलप्ड इन गांधार रीजन? डी, तक्षशिला। 16, हु सजेस्टेड मेकिंग एश ऑफ मर्क्यूरी एंड यूजिंग इट एज अ मेडिसिन? एश ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जो सिल्वर कलर का लिक्विड आता है, ठीक है, मर्क्यूरी, उसके एश को मेडिसिन की तरह यूज करना किसने बताया? आचार्य नागार्जुन ने, ए, 16 में ए। नाउ 17, इन विच यूनिवर्सिटी हैड स्टूडेंट्स टू गिव एन एंट्रेंस एग्जाम टू गेट एडमिशन?
कौन सी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है एडमिशन के लिए? वल्लभी यूनिवर्सिटी। 18. विच यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन बंगाल? विक्रमाशिला। ऑफ व्हाट एज आर द बेस्ट कॉइन्स फाउंड? कौन सी एज के लोगों के कॉइन्स बहुत अच्छे हैं? गुप्त एज के। विच हेरिटेज ऑफ इंडिया हैज बीन यूनिक थ्रू आउट द वर्ल्ड? कौन सा हेरिटेज जो इंडिया का है वो पूरी दुनिया में सबसे अलग है? कल्चरल हेरिटेज, क्योंकि इंडिया के अंदर अलग अलग धर्म, अलग अलग त्योहार मनाने वाले लोग है, इसलिए यहाँ का कल्चर पूरी दुनिया में सबसे अलग होता है। चलिए आज यहाँ तक स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट टाइम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? 13 से बता देती हूँ, 13 में सी, 14 में ए, 15 में डी किया है, 16 ए, 17 बी, 18 डी, 19 डी एंड 20 बी। चलिए इतना हुआ सबका, 20 एमसीक्यूज हो गए सबके, ठीक है? नेक्स्ट टाइम हम फिल इन द ब्लैंक्स से आगे चलेंगे, ओके? चलो आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ मैं।